हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम आपको बताने वाले हों, चाहे योनो एसबीआई ऐप्स हो, चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो एसबीआई का, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रिसेट पासवर्ड कैसे किया जाता है इंटरनेट बैंकिंग एसबीआई का, चाहे योनो एसबीआई का। रिसेट करने के लिए जैसे ही आप योनो एसबीआई ऐप्स को ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए एम पिन है, तो यहाँ पे आपको यूजर आईडी पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए इसके नीचे में कांट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। ध्यान रहे, एम पिन पे नहीं करना है, यूजर आईडी पे क्लिक करने के बाद, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कांट लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको जो है, जो भी आपका अकाउंट इसमें लॉगिन है, जो भी यूजर नेम और पासवर्ड से आपका इस एप्लीकेशन में लॉगिन है, तो वही आपको यूजर नेम यहाँ पे अपना इंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको याद नहीं है इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे एटीएम कार्ड नंबर और एटीएम पिन से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एटीएम कार्ड नंबर आप अपना इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एटीएम पिन आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो इंटर करने के बाद आप जो है यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है इंटर न्यू पासवर्ड, आपको यहाँ पे रिसेट करने के लिए आपका जो है नया पासवर्ड यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर में एक इंटर न्यू पासवर्ड जो आप रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप पासवर्ड दे देंगे। उसके बाद नीचे में जो है री इंटर है, यानी कि आपको कन्फर्मेशन करने के लिए, तो यहाँ पे फिर से दोबारा आपको ये पासवर्ड देना पड़ेगा जो आप ऊपर में दिए हैं, वही चीज पासवर्ड यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। और पासवर्ड भी कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बता, तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। स्पेशल करेक्टर का होना चाहिए, आठ से मिनिमम आपको आठ करेक्टर होना चाहिए। जैसे कि आपका नाम है श्याम, तो आप श्याम को जो है कि कुछ अंक कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कुछ जो है आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं। जैसे कि एस एच वाई एम, तो एस आप बड़ी दे सकते हैं, ए छोटी दे सकते हैं, इसी तरीके से लिख के उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ न्यूमेरिकल देना, जैसे एट द रेट हो गया, डॉलर हो गया, ब्रैकेट का चिन्ह हो गया, छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, रूट, स्क्वायर, ये सब का आपको कुछ एक सिम्बॉल देना है। तो यहाँ पर आप दे देंगे, उसके बाद कोई अंक आपको देना है, एक से नौ तक आप कोई भी अंक यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपको आठ स्पेशल करेक्टर, आप आठ अंक यानी कि पूर जाएगा पासवर्ड का, आठ से ज़्यादा भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे आपको पूर जाएगा। आप उसी तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आपको इस तरीके से पासवर्ड बनाना है, मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको बताया है। तो यहाँ पे फिर से आपको जो है कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में ओटीपी नहीं आता है, तो यहाँ पे रिसेंट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे, तो आपको ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है पासवर्ड रिसेट हो जाएगा, यानी कि पासवर्ड चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, योर पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली चेंज, प्लीज लॉग इन यूजिंग न्यू पासवर्ड। तो आप यहीं से करके आप लॉग इन कर सकते हैं। ये जो है मैंने एक और यूनिक तरीका हम आपको बताएंगे कि ये जो है आप इस एप्लीकेशन में जो आपका लिंक है यूजर नेम और पासवर्ड, उसी का सिर्फ आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और घर का मेंबर है जो कि इंटरनेट बैंकिंग यूज करता है, उसका आप कैसे करेंगे, तो चलिए मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है अपना कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। यहाँ जो है आप किसी भी व्यक्ति का पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है योनो एसबीआई। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं योनो एसबीआई। तो टाइप करने के बाद आप सर्च पर क्लिक कर देंगे, तो कुछ इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट आएगा, लेकिन जो टॉप में आएगा, जो सबसे पहले आएगा, उसी पर आपको क्लिक, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने में देखिए
कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरफेस ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे हम देख सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर से आपको वही पेज आ जाएगा, लेकिन उस पेज में क्या अंतर है और इस पेज में क्या अंतर है, तो उस पेज में यही अंतर है कि जो आपका SBI में यूजर नेम और पासवर्ड लॉग इन है सिर्फ उसी अकाउंट का आप जो है पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। इसमें आप किसी भी व्यक्ति का इंटरनेट बैंकिंग का आप जो है पासवर्ड यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं, बशर्ते उसका SBI होना चाहिए, योनो SBI होना चाहिए, चाहे योनो लाइट SBI होना, सभी का एक ही होता है पासवर्ड। तो यहाँ पे आप फिर से इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे आप डाल देंगे यूजर नेम, उसके बाद डालने के बाद यहाँ पे आप जो है अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड याद है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अगर याद नहीं है तो आपको यहाँ पे ATM कार्ड नंबर देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ATM पिन देना है जो कि 4 अंक का होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ध्यान देने वाली ये बात है, इस पे जो आप जिस भी अकाउंट का आप कर रहे हैं उसी अकाउंट का आपको ATM कार्ड देना है, उसी अकाउंट का ATM का ATM पिन देना है, और उसी अकाउंट का जो है आपने इंटरनेट बैंकिंग ओपन किए हैं उसी का यूजर नेम देना है, ठीक है, तभी आपको चेंज होगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपना यूजर नेम डाल देते हैं, उसके बाद ATM कार्ड नंबर डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पर ATM पिन डाल देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इंटर योर न्यू इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आपको स्पेशल करेक्टर में मैंने बता दिया किस तरीके से आपको पासवर्ड यहाँ पे बनाना है, उसके बाद फिर से वही पासवर्ड यहाँ पे देना है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कन्फर्म पे आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपके नंबर पे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका रिसेट पासवर्ड हो जाएगा इंटरनेट बैंकिंग का। इस वीडियो में हम पासवर्ड रिसेट करने के लिए कुछ अलग तरीका आपको बताए हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आप इंस्टाग्राम पे चाहते हैं फॉलो करना तो आप उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी सवाल या सुझाव है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।